अरे भैया जी कैसन बा? हाँ सुना है आपकी दुकान में बहुत ही अच्छा पकवान मिलता है, तो जल्दी से जल्दी एक गर्मा गर्म मैक भजिया पाव, ठीक है, और उसके साथ दो गर्मा गर्म मैक वड़ा पाव कर देना। और सुना है आपकी दुकान में काफी बहुत ही अच्छा मिलता है। हम तो भैया काफी वाले नहीं है, हम गर्मा गर्म चाय पियेंगे, चाय अदरक और मलाई मार के भैया। पेप्सी? अरे नहीं नहीं भैया, हम ये फिरंगो वाला चीज नहीं पीते, हमको चाहिए ठंडा ठंडा गौमूत्र। हाँ भैया आप मानेंगे नहीं, एक दिन तो हम चार गिलास घटका चुके थे, और जो गौमूत्र के बाद डकार आ जाई आपके दुकान में गौमूत्र पीने के बाद, इतना लंबा डकार मारे नहीं ना, कंवार नाम का कुत्ता पाले ना तुम। हाँ भैया ये वाले पेप्सी में ना फीस बहुत कम है, थोड़ा चेंज करके दो ना प्लीज। भैया मेरे मेक फ्लोर में आपने कम आइसक्रीम डाल दिया, कैसा काम करो, थोड़ा ज्यादा आइसक्रीम डाल के दो ले लो। भैया मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे पेप्सी में बर्फ नहीं चाहिए, आपने आइस डाल दिया, आधा पीने के बाद मेरे को पता चला इसमें बर्फ डाला, आप चेंज करके दो प्लीज, ये लो। भैया क्या है भैया, कितना इतना गर्म वाला पेप्सी कौन दे, इतना नया पेप्सी दो, मैंने इसके अंदर से पी लिया है, लेकिन पीने के बाद पता चलेगा ना कि ठंडा है कि नहीं, आप चेंज करके दो, पूरा भर के दो, चलो जल्दी से। भाई आपके पास वेजिटेरियन डिशेज है? वेजिटेरियन बनाते हो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन वेज वो अलग किचन में बनाते हो, वेज में अलग बनाते हो ना, फिर ठीक है भैया। तो भैया वेज में क्या प्रोडक्ट है आपके? अच्छा मैक आलू टिक्की, भैया ये एक मैक आलू टिक्की कर देना, लेकिन ना भैया उसमें ना कांदा मत डालना, मैं प्योर जैन हूँ ना तो कांदा नहीं खाता, और उसमें अदरक, अदरक है, अदरक भी मत डालना, ठीक है, वो भी नहीं खाते भैया। लहसुन है, लहसुन वो भी मत डालना भैया, ठीक है, और क्या, बीटरूट, बीटरूट है, बीटरूट तो डालना ही मत, मैं आलू टिक्की में। हाँ भैया आलू है, आलू, आलू तो डालना ही मत, सोचना भी मत, क्या है ना भैया हम वो रूट वाले जो भी वेजिटेबल्स है ना, फ्रूट्स वगैरह खाते नहीं है, अलाउड नहीं हमारे में, पाप है हमारे में, हम लोग खाते नहीं भैया। भैया आपका ऑर्डर रेडी है? अच्छा रेडी है, दे दो भैया, ये तो सिर्फ पेपर है। मैं आलू टिक्की से सब कुछ निकाल दोगे तो पेपर ही बचेगा ना। ठीक है चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। बुरा मत मानना, लेकिन आपके मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट आने से अच्छा मैं पिज्जा हट चली जाती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे 30 मिनट्स में तो फ्री है ना, यहाँ पे आप टोकन देते हो और जब टोकन नंबर आता है ऐसा लगता है कि मैं बैंक में बैठी हूँ, और जब टोकन नंबर आएगा तब मैं कैश निकाल सकता, थर्ड क्लास सर्विस है आपका भैया। भैया बुरा मत मानना, लेकिन इससे अच्छा तो मैं केएफसी चली जाती, सच्ची बता रही हूँ, वहाँ पे अटली चिकन बकेट मिलता है, चिकन नगेट मिलता है, बहुत सारे चिकन चिकन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है, आपका सिर्फ बर्गर मिलता है, उसमें आप कांदा डालो, टमाटर डालते हो, चिकन का छोटा सा पैटी डालते हो, और उसके ब्रेड डालते, अरे इसमें क्या मजा, उससे अच्छा तो वो तंगड़ी है, मस्त तंगड़ी काटने का, उसमें डिप भी अलग अलग, अरे मजा आ जाता है केएफसी में। मैं बोल रही हूँ कि आप ये जॉब छोड़ के केएफसी चले जाओ। भैया बुरा मत मानना, लेकिन ये जो आलू टिक्की है ना आपका मैक आलू टिक्की, इतना बकवास आप डालते क्या उसमें, उससे अच्छा तो मैं बाहर का वड़ा पाव खा लेती हूँ, सेम टेस्ट आता है, सिर्फ वो 20 रुपए का आता है, आपका 100 रुपए का, अरे 100 रुपए में आप एक एक टमाटर डालते, एक कटोरा ऑनियन डालते हो, उसमें क्या मजा भैया, उससे अच्छा तो मैं 20 रुपए पे करके गर्मा गर्म एकदम अभी के अभी तला हुआ वड़ा पाव खा लू, क्या बकवास है आपका। भैया आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं जब छोटी थी ना तो मेरे डैडी ने एक छोटा सा प्लास्टिक का चेयर लेकर आया, वो प्लास्टिक का चेयर आपके यहाँ के प्लास्टिक के चेयर से 1000 गुना बेटर है, तो थर्ड क्लास चेयर है, कोई साफ भी नहीं करता है। भैया आप बुरा मत मानना, लेकिन ये क्या फालतू के लिए, आप खुद खाते हो तो आपका खुद का ट्रे उठा के आप डस्टबिन के अंदर डालो, इससे अच्छा तो मैं घर में खाती थी ना, मैं खाती थी और मम्मी उठा के प्लेट खुद धोती थी, आपका मैकडॉनल्ड्स एकदम फालतू है।
तो मेरे को 5 पैकेट टमाटो सॉस दे दो जल्दी से। भैया चिली सॉस है क्या आपके पास? वो भी फ्री है ना, तो मेरे को वो चिली सॉस 10 पैकेट दे दो जल्दी से। भैया आपके पास पानी फ्री मिलता है ना, तो 10 गिलास पानी दे दो मैं तो। भैया वो पहले आपके पास वो टॉय मिलता था ना, वो कैटफोर मैकडॉनल्ड्स वाला टॉय, वो है क्या आपके पास? फ्री का है ना वो? 5-6 टॉय वो भी दे दो मेरे को भैया। भैया क्या भैया, एसी का बिल बचा दो क्या? एसी थोड़ा जल्दी करो ना भाई साहब, आप 5 घंटे से यहां पे क्या मतलब है कि मैं 5 घंटे से यहां पे बैठा हूं? मेरी मर्जी, आप यहां पे एसी चालू कर दीजिए। भैया आपके पास एक्स्ट्रा मैकडॉनल्ड्स वाला पेपर बैग है क्या? मेरे को 5-6 दे दो ना जल्दी से। एक मिनट और, अभी प्लास्टिक बैग है क्या? मेरे को 10 प्लास्टिक बैग दे दो ना प्लीज। ओ भाई साहब आपको शर्म नहीं आती? हाँ बेचारे जो जानवर बोल नहीं सकते उसको ही काट के आप लोगों को खिला रहे हो? हाँ चिकन है तो क्या हुआ, उन लोग के पास दिल नहीं है क्या? हमारे पास भी दिल है, इसका मतलब नहीं कि आप इंसानों को ही काट के खा लो। हाँ बिजनेस के नाम की कुछ भी, अरे वो लोग के पास भी राइट है। जस्ट बिकॉज दे कैनॉट टॉक यू कैनॉट ईट देम, ठीक है ना? अरे पेड़ पौधे है वो खाओ ना। वेज खाने से हमारे शरीर में शक्ति आती है, नॉन वेज खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वेज खाना चाहिए हमें। भैया हमारे पास वेज में आलू टिक्की भी है। आलू टिक्की? आप बकवास कर रहे हो आप? आलू टिक्की में पता है ना आपको आलू रहता है, और आलू वो बेचारे जानवर भी खाते हैं। जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक, वो लोग बात नहीं कर सकते, उन लोग बोल नहीं सकते कि अरे भैया मेरा खाना खाओ मत, मेरा खाना, इसका मतलब नहीं कि हम उनका भी खाना खा ले। अभी हम लोग ही मैक आलू टिक्की का आलू खा लेंगे, कांदा जो भी आप डाल दो खा लेते वेजिटेरियन प्रोडक्ट, तो वो बेचारे जानवर क्या खाएंगे? क्या खाएंगे वो बेचारे जानवर बताइए आप? आप बिजनेस के नाम पे कुछ भी नहीं चालू कर सकते। सारे पेड़ पौधे खाने लग जाएंगे तो धरती में पेड़ पौधे बचेंगे किधर? हम लोग सांस कहां से लेंगे? यूहू।